अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बीस फूड वर्ल्ड में। आज हम बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर ईद स्पेशल मटन खड़े मसाले का स्टू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। एक कप ऑयल डाल रहे हैं, दो बड़ी प्याज हमने लिए, वो हम डाल रहे हैं इसके अंदर फ्राई करने के लिए, अच्छे ब्राउन करने प्याज को, कि प्याज जो है बिल्कुल डार्क ब्राउन कर देंगे। फिर इसके अंदर गोश्त फ्राई करेंगे और फिर जो मसाले हैं सारे डालेंगे इसके अंदर। गोश्त फ्राई करेंगे और ये मसाले डालेंगे, गरम मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोश्त को। फिर खड़े मसाले के जो जो मसाले हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। ये गरम मसाला अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ताकि प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। गोश्त डाल रही हूँ, फ्राई होगा, मटन का गोश्त है ये। एक किलो गोश्त है बकरे का, मटन का। इसको मैंने प्याज लाल हो चुकी है, फ्राई कर लिए, इसके साथ ब्राउन हो गए। अब इसमें मसाले वगैरह भी डल गए और ये हरी मिर्चे का पेस्ट, हरी मिर्चे, लहसुन और अदरक है इसमें, दुरदुरा हमने पीस लिया। अब मसाले डाल रहे हैं सारे, थोड़ा सा फ्राई कर लें अच्छे से ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, फिर उसके बाद मसाले डालेंगे। देखिए प्याज भी कितनी अच्छी ब्राउन हुई है माशाल्लाह। ये मटन खड़े मसाले का स्टू है, इसमें मैंने हरी मिर्चे, अदरक और लहसुन थोड़ा सा धुलधुरा सा कूटा। अब और मसाले, लहसुन अदरक दो चम्मच, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसकी भी, कूटा हुआ धनिया, कूटी मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे फिर पानी डालेंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। कुकर में भी बना सकते हैं आप लोग और वैसे भी बना सकते हैं। वैसे टाइम इसका 45 मिनट है और कुकर में 20 मिनट। हम इसको पानी डालते हैं, पानी डाल के इसको दो ग्लास इसमें पानी डालेंगे। अब इसको 45 मिनट बाद हम बार बार चेक करते रहेंगे ताकि हमारी ये गोश्त गल जाए। अब इसको कवर कर रहे हैं, 45 मिनट तक इस गोश्त गल जाएगा इंशाल्लाह। बार बार बीच में देखते भी रहेंगे, थोड़ा सा भुनाई करेंगे। पानी के साथ खुश्क हो गोश्त और बस बुनाई हो जाएगी इसकी। और ये हमारा बहुत अच्छा, देखें देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, गोल्डन गोल्डन सा मटन स्टू माशाल्लाह से रेडी हो गया। अब ये अब डिश आउट कर रहे हैं, मटन खड़े मसाले का स्टू। इसके साथ रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बॉयल चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं।